सुंदर शब्दों में उन्होंने सब बात कही और मैं समझता हूँ वास्तव में एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके बारे में व्याख्या करने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा भी बचपन से ही उनके परिवार से रिश्ता रहा जो मैंने इसी में था और देखियो शर्मा जी के भाई आनंद शर्मा जो दुनिया में नहीं रहे एक्सीडेंट के शिकार हो गए उनके साथ मेरी दोस्ती थी। आनंद शर्मा इनके कजिन ब्रदर हैं उनके साथ मेरी दोस्ती थी। हम एनएसी में काम करते थे 73 से तब से मेरा दूसरा के अंदर भी जाना आना था। फिर लंबा सफ़र तय करते करते बाबूजी के साथ मुझे आगे बढ़ने का अवसर मिला और धारीवाली ने ठीक कहा सलाह देने के मामले में मैं समझता हूँ ऐसे विरले व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं। सही और सटीक सलाह देना ऊँची सलाह देने में उनकी मास्टरी थी। मुझे याद है जब मैं मेंबर पार्लियामेंट के लिए चुनाव हो रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया जी की छत में खड़ा हूँ पार्लियामेंट में जोधपुर से परसम मदेना जी खेती राठौड़ जी राम सिंह विष्णोई जी रंजीत सिंह जी जितने बड़े बड़े नेता थे नरपतराम बरवड़े जी पूरे जिले के लोगों ने तय किया कि मैं खड़ा होना चाहिए। मैं उससे जयपुर आया हुआ था और पंडित जी वकालत करते थे यहाँ पर तो मैं कोर्ट में गया उनसे बात करने के लिए तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मेरे ऊपर ही उम्मीदवारी के लिए कहा जाएगा मुझे खड़े होने के लिए मैं जिला अध्यक्ष था कांग्रेस का। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है अगर सबकी अपन टिकट मांगो मत अगर सब नेता कहें तो मना भी मत करो। वो दिन वो सलाह ही काम आई मेरे मैंने टिकट मांगा नहीं पर सब ने मिलकर के तय किया कि मुझे उम्मीदवार बनाना है। उम्मीदवार बनाया गया और उस वक्त मैं फिर कामयाब हुआ पार्लियामेंट मेंबर के लिए पहली बार लोकसभा 80 में। और हम लोग जब पार्लियामेंट में वापस मिले तो बाबूजी बन चुके थे मेंबर पार्लियामेंट बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनी। तो ये शायद आप मैंने शायद क्योंकि मालूम नहीं होगा अधिकार लोगों को भूल गए होंगे
क्योंकि बहुत शॉर्ट समय के लिए मैं बना था। जब वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री बनाया था, शायद वहाँ मेरे किसी को याद नहीं होगा। थोड़े समय बाद ही मैं इंदिरा गांधी जी के साथ में डिप्टी मिनिस्टर बन गया, इसलिए मैं फिर प्रदेश कांग्रेस में ज़्यादा काम नहीं कर पाया। कहने का मतलब है कि मेरी शुरुआत भी इस प्रकार से हुई और संबंध मेरे बाबू जी के अंतिम समय तक रहे। दारी बारी का विचार नहीं मिलते थे, मैं ये सहमत नहीं हूँ। विचार मिलते थे पर अप्रोच अलग अलग होती थी, अप्रोच अलग अलग होती थी। सीबी जो जानते होंगे अप्रोच अलग थी कि उनकी काम करने की अप्रोच अलग, मेरी काम करने की अप्रोच अलग थी। अगर विचार नहीं मिलते फिर मैं बार बार उन्हें सुनने जाते ही क्यों, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, राजनीति सलाह लेनी होती तो मैं उनके पास ही जाता। और वही कारण है कि आज उनकी फैमिली के साथ में जो जो समाज बैठे हैं, पूरा कुनबा इनका जो है तो वो जानते हैं कि उस वक्त मैं जब जाता था तो बाबू जी किस प्रकार का मेरे प्रति स्नेह रखते थे। मैं चाहे वो बीमार होते तो जाता अस्पताल में, जाता घर पर जाता, दिल्ली में गया मैं जब बीमार थे तो मेरी उनके अंतरंग बातें होती थी, वो बेसुरी सुनते थे। और इसीलिए पूरे परिवार का कुनबा जब बीमार थे तब से, हर शादी ब्याह के अंदर भी और वो नहीं रहे उसके बावजूद भी, पूरा कुनबा हर रूप में मुझे, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए हों, तब दूसरा हम लोग गए थे प्रोग्राम के लिए, चाहे आर्यपुरी पुराने की बात हो, जो पूरा परिवार इस रूप में मुझसे मिल रहा था। तो मुझे इस बात का एहसास है कि अगर मेरे संबंध उनसे वैसे नहीं होते तो शायद परिवार के साथ रिश्ते ऐसे नहीं रहते उनकी देहांत के बाद में। यही कारण रहा कि मैं लगातार देखता रहा। और वो व्यक्तित्व अलग किस्म का ही था, जब बीमार थे उनको मालूम था कि मैं अब जाने वाला हूँ, तभी वो जिस रूप में बात करते थे हम लोगों से, चेहरे पे मुस्कुराहट, खुद ही कह रहे हैं ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे पता भी मुझे अब जाने का समय आ गया है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तो लोग जल्दी भावुक हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। वो बिल्कुल मुस्कुरा कर कहते हैं कि भाई वो ज़्यादा टेंशन मत लो, भाई सबको जाना है, मुझे मालूम है कि मैं भी जाने वाला ही हूँ। इस प्रकार के कई अंतरंग क्षण हमारी ज़िंदगी में रहे हैं और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक कौशल के रूप में कुछ जिम्मेदारियों को दी हो। मैंने उनको जब रिक्वेस्ट की राजस्थान स्वर्ण जयंती समिति समारोह समिति बनाई, उनको अध्यक्ष बनाया, मंत्री का दर्जा दिया, उन्होंने स्वीकार किया। मैं ऑफर करने के बजाय जो उन्होंने स्वीकार किया उसका मुझे गर्व है। और हमारे छावड़ा साहब बैठे हुए हैं, 92 ईयर के ओल्ड हैं, ये सब उनके साथ जुड़े हैं, सब उनके साथ जुड़े, पूरी टीम बनाई उन्होंने बाबू जी ने। जितने फ्रीडम फाइटर्स थे राजस्थान के, पहली बार उन सबकी जीवनी के बारे में परमानेंट डॉक्यूमेंट बन गया राजस्थान के अंदर, पूरी जीवनियों का बन गया जो हमेशा याद किया जाएगा। इस रूप में मैं समझता हूँ कि उन्होंने कई पदों पर रहे, वो तो बता दिया आपको, नगर पालिका अध्यक्ष शुरू किया हो अपने गांव में दोसा में, प्रधान बने हो, मेंबर पार्लियामेंट AICG के महामंत्री हो, खादी बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राज्यपाल हो, सब पदों पर रह लिए हो, जहाँ रहे वहाँ पे उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज जो मूर्ति लगी है, ये मूर्ति क्यों लगती है, महापुरुषों की हो, शहीदों की हो, सोशल वर्कर की हो, इसी लगती है आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा ले उससे किस प्रकार से ये मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, क्या इनका योगदान है। और यही प्रेरणा नौजवान पीढ़ी जब जानकारी प्राप्त करती है
मूर्ति के बारे में, तो मन में भाव पैदा होता है कि मुझे भी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। यही सिलसिला समाज में चलता है, नई पीढ़ी प्रेरणा देती है, संकल्प देती है आगे बढ़ने का, देश सेवा का, प्रदेश की सेवा का। और जो व्यक्तित्व होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके कुछ सीखने का। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज डॉक्टर शर्मा जी ने, इनके परिवार के लोगों ने ये प्रोग्राम रखा, शानदार मूर्ति बनी। आनंद शर्मा नाम है इनका, जिसने मूर्ति बनाई है, आनंद शर्मा, विकास शर्मा। मैंने पूरा उनका फोटो देखा है, एक से बढ़ के एक मूर्ति इन्होंने बनाई है दिल्ली में भी, यहाँ पे भी। और यह मूर्ति बहुत अच्छी बनी है, शानदार बनी है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से आज का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, मैं समझता हूँ कि सब कुंडे को बुलाया, आप सबको याद किया, ये बहुरी सीख थी सबको साथ लेकर चलने की। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस व्यक्तित्व से और उस पीढ़ी से जो गांधी जी के असलों में चलने वाली थी, वो ही प्रेरणा दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं कह सकता हूँ आपको, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं हमेशा धारीवाल जी ने जो किस्सा सुनाया, ये बात जरूर है कि मैंने कोशिश करी लाइफ के अंदर, जिंदगी में सबको साथ लेके चले। ये मेरे खिलाफ थे धारीवाल जी, ये मेरे खिलाफ थे, पर बिना इनके कहे हुए, इन्होंने खुद ने किस्सा सुनाया, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। ये राजनीति में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलता वही कामयाब होता है। कामयाब वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है। और जो अपनी बात करता है, पराई की बात करता है, गुड़बारी पैदा करता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर। बावरी वो खासियत थी, बहुरी को खासियत थी। तो मैंने खुद ने इनको ऑफर किया मंत्री पद, ये तो इनका एक एग्जाम्पल है। मेरा पहला मंत्रिमंडल बना 98 के अंदर, उस वक्त मैंने चुन चुन करके सबको लिया, जो किसी का आदमी हो, वो कांग्रेस का आदमी है, हाईकमान का आदमी है, सोनिया गांधी का आदमी है, ये भावना मैंने रखी। भावना रखना जरूरी है। एक एक चीज राजनीति में, अभी धारीवाल ने कहा कि बाबूजी ने कहा अशोक ने कहा पानी पिला दिया, पानी नहीं पिलाया मैंने, मैंने सबका मान सम्मान किया। बाबूजी ने बजाय में कह दिया होगा आपको, क्योंकि मैंने मान सम्मान किया, लोगों का दिल जीत के आगे बढ़ाओ। मैं एक जो कहावत है, लाइन जो है, लाइन आप बड़ी लाइन खींच दो भैया, लाइन बड़ी खींचो भैया कि दूसरों की लाइन काटो। और हमेशा मैंने वही काम किया, लाइन बड़ी खींचने के लिए पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता, पार्टी के प्रति, पार्टी नीतियाँ, उसके कार्यक्रम के सिद्धांतों के प्रति जिंदगी लगा दी मैंने इन बातों के लिए कि पार्टी की जो प्रिंसिपल प्रोग्राम पॉलिसी क्या है, उसका मर्म क्या है, जो महात्मा गांधी के जमाने से चली आ रही है। नेता के प्रति विश्वास जीतने के लिए आपको अपने आप को प्रतिबद्ध करना पड़ता है पार्टी के लिए। और सोनिया गांधी जी ने इसलिए पहचान की और मुझे अवसर दिया। पहली बार 25 साल लगभग हुए मुख्यमंत्री बनने का, और 3 बार मुख्यमंत्री आप सबके आशीर्वाद से बने हुए अर्थनवासियों का।
36 वही बैठो बैठी बैठो बैठ 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 बैठिए। और मैंने देखा ऐसे लोगों को जो अपनी गुड पॉलिश करते हैं, थारी मारी करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। वैसे लोग पार्टी के भी लॉयल होते भी नहीं है, वो लॉयल नहीं होते हैं पार्टी में। लॉयल्टी बहुत जरूरी है आज के वक्त में, जब देश में हालात क्या है आप जानते हो। आज देशवासी को चिंतित होना चाहिए, चिंतित है देश का इंटेलेक्चुअल, चिंतित है लेखक, चिंतक है, चिंतित है पत्रकार, समझदार है, वो चिंतित है जो दबाव में नहीं है। वो जेलों बंद पड़े हैं, देश थोड़ी हो आप, तो आलोचना करो आप सरकारी है, देश थोड़ी हो गए। अरे आलोचना कुछ सीखते ही हम लोग, अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ मेरी आलोचना कोई करता है और तथ्य होते हैं तो मैं उसे सीखता हूँ, सुधार करता हूँ, जिससे कि पब्लिक का भला हो। लोकतंत्र ये है। कल प्रधानमंत्री आए थे, मैंने कहा बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, अगर विपक्ष नहीं तो पक्ष क्या हुआ। और मैंने कहा आपको पहल करनी चाहिए देश के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का क्या कहना, विपक्षी पार्टियों के करप्ट लोगों का गिरोह बन चुका है, ये क्या लोकतांत्रिक भाषा है, ये लोकतंत्र भारत उचित है क्या। तमाम विपक्ष को आप किस रूप में बोलते हैं उनके बारे में, विपक्ष के बारे में आपको सम्मान नहीं है। कांग्रेस में भारतीय बात करते हो आप लोग, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हो, कब तक चलेगा ये। मुद्दा क्या है, महंगाई का है, मुद्दा बेरोजगारी का है, उसको हल्दी क्या। और मुद्दा क्या है, राहुल गांधी की यात्रा में क्या था, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस, तनाव है, हिंसा हो रही है कई जगह, धर्म के नाम पर राजनीति होके अलग थलग किए जा रहे हैं। 75 सालों के देश को आप, देश एक रहा, अखंड रहा, ऐसा ही नहीं रहा है। इसका आधार संविधान अंबेडकर का, इसका आधार पंडित नेहरू की नीति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, गांधी जी के सानिध्य में इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, क्या जरूरत थी उनको। मैं उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा मेरी जान जा सकती है, उनका आभास हो गया था पहले, और उन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया देश को, जान दे दी अपनी, सीना छलनी हो गया उनका। राजीव गांधी शहीद हो गए, अरे इन्होंने अपनी उंगली नहीं कटाई है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। ये लोग आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और ऊंची ऊंची बातें करते हैं, धर्म नाम पर, जाति के नाम पर आप किसी को भड़का दो, बड़ा आसान काम होता है, आग लगाना बड़ा आसान काम होता है, आग को बुझाने में टाइम लगता है। कोई बिल्डिंग बनती है तो 2 साल लगते हैं, गुड़े से भेज दो 6 घंटे में टूट जाएगी। इसलिए देश बना तो ऐसे नहीं बना, जो मोदी जी बोले थे रेलवे 3 लाख करोड़ रुपये में खर्च करने पड़ते हैं, नेशनल हाईवे पे करोड़ रुपये खर्च करने पड़े, पहले क्यों नहीं बन गए, पहले क्यों नहीं बन गए। अरे पहले 3000 मेगावाट बिजली नहीं थी देश के अंदर जब देश आज़ाद हुआ, आज 3 लाख मेगावाट बिजली देश के अंदर पैदा हो रही है। कहाँ स्कूल थे, कहाँ अस्पताल थे, कहाँ स्कूलें थी, प्राइमरी स्कूल नहीं थी, पंडित जी को पढ़ने जाना पड़ा आगरा के अंदर। क्या बात कर रहा हूँ, क्या प्रधानमंत्री ने बात को समझते नहीं है क्या। तो जिस रूप में उनका तरीका है बोलने का आप देख लो, इसलिए हमें देश को जो हालात बनते जा रहे हैं, देश किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में जा रहा है, ये चिंता के लिए होना चाहिए हम सबके लिए। तब बाबू जी को सच्ची सजा नहीं होगी जो पूरी तरह सेकुलर थे, वो धर्मनिरपेक्ष थे, बल्कि झंडा उठाए हुए थे वो सेकुलरिज्म का, हर धर्म के लोगों ने प्यार करते थे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आज उनका मूर्ति का अनावरण हुआ है तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि उनकी जो सोच थी वो आगे बढ़ेगी, नई पीढ़ी के लिए भी, हम सब के लिए भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के अंदर हमने प्रयास किया है, जो राहुल गांधी यात्रा में महंगाई का, बेरोजगारी का, नॉन वायलेंस का,
और अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ते जा रही है। ये कब तक लोग झोंपड़े में रहेंगे यहाँ पर? आकर मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को, दो कानून बनाओ आप भी, जो मनमोहन सिंह जी बनाए थे, सोनिया गांधी जी बनाए थे, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार महात्मा गांधी के नाम से नरेगा, सूचना का अधिकार और खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चालू, कानून बना के पार्लियामेंट के कानून बनाइए, कोई कम बात नहीं है। रास्ते में 1 रुपये किलो दे रहे थे गेहूँ, अभी फ्री दे रहे हैं। आज हमने महंगाई राहत के कैंप क्यों लगा रहे हैं? हम लोग उन्हीं की भावनाओं को लेकर, हम लोगों ने जो 4 मुद्दे थे, रोजगार दे रहे हैं हम लोग, करीब 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरियाँ दे रहे हैं सरकारी, 100 मेगा एम्प्लॉयमेंट के कैंप लगा रहे हैं हम राजस्थान के अंदर, जॉब फेयर लगा रहे हैं 100 एक साथ में, क्यों लगा रहे हैं? 10,000 तो नौकरी लग चुकी है 4 फेयर के अंदर, वो हम लोग काम कर रहे हैं। आह्वान करते हैं लोगों को अपने में प्रेम भाईचारे से रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, कोई दुश्मनी काम नहीं आती है। जिस परिवार में झगड़े होते हैं वो परिवार कभी ऊपर नहीं बढ़ता है, कोई बात लागू होती गांव में, प्रदेश में, देश के अंदर। ये हिंसा की राजनीति करना चाहते हैं, ये तो बर्बाद होंगे होंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। सच्चाई जो है सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है, सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है, ए भाई सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता है, और सच्चाई कांग्रेस के साथ में है, इनके साथ में नहीं है। इनका लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है, ये तो मुकुटा पहन के चुनाव जीत के आते हैं, वरना ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि धर्म के नाम राजनीति आप करो। अरे धर्मनिरपेक्ष देश, संविधान में आप शपथ लेते हो, मंत्री बनते हो, मुख्यमंत्री बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, तो विधायक शपथ लेता है, MP शपथ लेता है, और आप उसकी मूल भावनाओं खत्म कर रहे हो हिंदू मुस्लिम की बात करके, कब तक करते जाओगे? एक धर्म को जानबूझ के मैसेज देने के लिए UP में 402 सीटें हैं, 228 सीटें हैं कर्नाटक के अंदर, जानबूझ के आप एक भी मुसलमान को टिकट इसलिए देते हो जिससे कि लगे हिंदुओं को, देखो हिंदुओं की तो जमात के लीडर यही है हमारे, और चुनाव जीत रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? कहाँ की राजनीति है? अभी तो क्या हिंदुओं को अच्छा लगता होगा, हाँ ये अच्छे लोग आ गए RSS BJP वालों, मैं उनको ही कहना चाहूँगा देश का फ्यूचर सुरक्षित नहीं रहेगा इससे। हमने हिटलर की बात सुनी है, मुसोलिनी की सुनी है, वो भी धर्म के नाम पे राजनीति करते करते तानाशाह बन गए, बर्बाद कर दिया जर्मनी को, बर्बाद कर दिया। इसलिए बोलना नहीं चाहिए, बहुत बहुत चिंता वाली बात है, वो ढंग से चलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नई पीढ़ी को भी, नई पीढ़ी को सत्य पे जाना चाहिए। सत्य ईश्वर है, गांधी जी ने कहा था। ये झूठी राजनीति करने वाले लोग, मैं समझता हूँ वो बहुत खतरनाक होते हैं, अपना स्वार्थ के लागू उनको दिखता ही नहीं है, उनको ना पार्टी चिंता होती है, ना प्रदेश की, ना देश की। मैं समझता हूँ कि आप लोग सब इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, मैं आया था इसी जगह पर आया था पहले, अभी 2-4 महीने पहले आया, जब इंदिरा गांधी के नाम से हम शहरी रोजगार योजना शुरू करी थी, तब भी हमारी माता बहनें बहुत आई थी यहाँ पर, शानदार योजना वो भी हमारी है। 10 जो आपको दिया गया है, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं? इलाज का सब इलाज फ्री, टेस्ट फ्री, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग, क्यों दे रहे हैं? महंगाई में राहत देने के लिए दे रहे हैं हम लोग, महंगाई में राहत के लिए दे रहे हैं। किट क्यों दे रहे हैं हम लोग? दालें हो उसके अंदर, शक्कर हो, तेल हो, मिर्च मसाले हो, कुछ राहत मिले लोगों को। 100 यूनिट फ्री क्यों कर रहे हैं? कुछ राहत मिले बिजली बिल के अंदर, 0 बिल आया है तो कम से कम एक परिवार में बच्चों का ख्याल रख सके। सोच समझ के हमने ये महंगाई राहत शिविर लगाए हैं 24 अप्रैल से, और अभी तक 3 करोड़ से अधिक तो कार्ड भर चुके हैं, 60 लाख से अधिक के परिवार जुड़ चुके हैं,
और ये कैंप लगातार चलते जाएंगे जब तक इस अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ नहीं पहुंचे, ये हमारी सोच है। तो मैं रबी बात क्या कहूँगा आपको, अब अभी मांग की गई दोसा के अंदर मेडिकल कॉलेज जो है वो बाबूजी के नाम से बनाने की बात की गई है। मैं इस मुबारक मौके पर घोषणा करता हूँ, बाबू नवल देव शर्मा के नाम की कॉलेज बना दी जाएगी।